लालकुआ में तंजीमी रजा कमेटी द्वारा शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के दूर दराज से आए धर्मगुरु, उलेमाओं और शायरों ने तकरीर और नाते पाक से समा बांध दिया। इस दौरान मेहमान खुसूसी नवीरा एआला हजरत नवासा, ए खलीफा अमीने शरीयत अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अदनान रजा खां कादरी ने देश में अमन चैन और भाईचारे का संदेश देते हुए सभी से मिलजुल कर रहने का भी संदेश दिया। वहीं कॉन्फ्रेंस में पहुंचे ताजदारे खिलावत औलादे मोसे आजम कौमो मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबादत मियां ने समाज में मोबाइल के दुरुपयोग और परिवार में महिला पुरुषों के गलत रहन सहन से समाज में फैल रही कुरीतियों के बारे में तकरीर करते हुए जागरूक किया। साथ ही मुहर्रम पर जायज और नाजायज के बारे में तकरीर कर जागरूक किया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। उसी के सिलसिले में ये हर साल प्रोग्राम होता है। इमाम अली मकाम जालिम और जुल्म के खिलाफ आपने आवाज उठाई और भूख के प्यास से आप शहीद हो गए, मैं बच्चों के साथ। इसी वजह से इमाम अली मकाम को मानने वालों में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं है, हर मज़हब का हर मत का आदमी जिसके अंदर सूझबूझ है, जो इमाम हुसैन को जानता है वो हुसैन को मानता है। उनका पैगाम यही था कि बुराइयों से परहेज करे इंसान। जमीन पर शरीफ लाए और हजरत ने यह पैगाम दिया कि करबला से अमन का पैगाम मिला है, करबला से अमन का पैगाम मिला है और हम तंजीम रजा कमेटी को ये आदेश देते हैं कि ये गरीबों की मदद करे और लाचारों की मदद करे, जहाँ भी हो सके उसमें ये ना देखा जाए मदद करने में कौन अपना है कौन पराजा है। हजरत का एक मिशन है जो हिंदुस्तान में है वो हमारा है, यही तंजीम रजा कमेटी का मिशन आगे ले जाने के लिए कहा गया है और ये हर साल इसी तरीके से जलसा कराते हैं, जिक्र शहीद आजम ये लोग कराते रहें, हम इनके साथ में हैं और एक इन लोगों ने अज़्म में मुसम्मम किया है कि आने वाले वक्त में इज्तिमाई निकाह ये लोग कराएंगे नबी राय आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब कुर्रा की सरपरस्ती में। ये तंजीम रजा कमेटी इंशाअल्लाह ये इज्तिमाई निकाह जल्द से जल्द करा देगी।